गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। तो हमने यूनिट नंबर 11 के 10 क्वेश्चन कर लिए। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की लंबाई 40 मीटर है तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो देखो कमरे की लंबाई कितनी है, कमरे की लंबाई है हमारे पास में 40 मीटर और चौड़ाई लंबाई की कितनी है, उसकी लंबाई। अच्छा, एक मिनट, देखो कमरे की लंबाई कितनी थी, 40 मीटर है, और ये कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई की दुगनी है, यदि ये देखो लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई की आधी हो जाएगी, लंबाई की आधी हो जाएगी, और आधी का मतलब 20 मीटर। देखो लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, देखो चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 मीटर, और 40 मीटर हमें दे रखी है। पूछा क्या है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, और फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी 40 और चौड़ाई 20, गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 800, और इकाई हो जाएगी वर्ग मीटर। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला, एक आयताकार खेत 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा है, 1.25 रुपए प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर तार खिंचवाने में कितना खर्च आएगा। देखो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, चारों तरफ की बात हो रही है खेत की, तो खेत का क्या निकालेंगे हम, परिमाप निकालेंगे। तो खेत का परिमाप, खेत का परिमाप, और परिमाप का फॉर्मूला था 2 ब्रेकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इंटू लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40, दोनों को जोड़ेंगे ब्रेकेट वालों को तो 100, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200, और परिमाप की इकाई मीटर की मीटर ही रहेगी। ठीक है, पूछा क्या इसने, इसने पूछा है 1.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की, ये प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर तार खिंचवाने में कितना खर्च आएगा। मतलब अब हमें खर्च बताना है, कुल कितना खर्च आएगा। तो देखो हमारे पास में कितने हो जाएंगे, एक मिनट, ये क्या, सौ, और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 मीटर हो गया। अब खर्च बताना है हमें, तो 1 मीटर का कितना है 1.25, तो 200 मीटर का हो जाएगा 200 से गुणा कर देंगे। अब देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो नीचे 100 लगा देंगे, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 125 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 250 रुपए। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 625 वर्ग मीटर। देखो वर्ग का हमें क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 625 वर्ग मीटर। देखो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और इसका मान कितना है हमारे पास में 625, तो भुजा का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये स्क्वायर यहां से हटेगा और इस तरफ ये अंडर रूट में बदल जाएगा। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो पहले जोड़ा बनाएंगे, तो ये बन जाएगा 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 625, और जोड़े में से एक को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर। तो भुजा कितनी हो जाएगी 25 मीटर। पूछा क्या इसने, परिमाप, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप,
और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। तो भुजा 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े पर्स को बनवाने में 20 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी ईंटें लगेगी। देखो पहले तो यहां पर हम पर्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ईंटों का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर संख्या निकालने के लिए पर्स के क्षेत्रफल में ईंटों के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो पहले तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी 10 इंटू चौड़ाई कितनी 8 मीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में इकाई है इसकी, ईंटों की सेंटीमीटर में है, तो हमें इसको भी सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको यहां पर 100 से गुणा कर देंगे और इसको भी यहां पर 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी इकाई बदल गई वर्ग सेंटीमीटर। अब बताना हमें ईंट का क्षेत्रफल, अब हमें ज्ञात करना है ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 20 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 200 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या बतानी है हमें, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। तो पर्श का क्षेत्रफल बटावा ईंट का क्षेत्रफल, जो कटता है उसे काट देंगे दो बिंदु से, दो बिंदु, दो एकम दो, और दो को 8 से काटेंगे तो 4, और कितने 0, 3 0, तो कितना आ गया 4000 ईंटें, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला, एक कमरा 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फॉर्मूले मान रख दो, लंबाई कितनी हो जाएगी 10, चौड़ाई है 8, और ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे तो 10 और 8 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे और इंटू 5, इन सभी को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 18, 5, 90, और 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180, और इकाई हो जाएगी वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, एक आयत का क्षेत्रफल है 48 वर्ग मीटर, यदि इस आयत की एक भुजा 8 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखो आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 48, अब दोनों में से कोई सी भी चाहे लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो, दोनों में से एक का मान हो जाएगा 8 और दूसरी का हमें
ज्ञात करना है, यानी कि चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब चौड़ाई बराबर, अब ये बराबर के निशान से इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो 48 भाग 8, 8 छिके 48, तो ये 6 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अब देखो पूछा क्या है, परिमाप, तो आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप होता है 2 ब्रेकिट लंबाई प्लस चौड़ाई। मान रख दो 2 ब्रेकिट लंबाई कितनी थी 8, चौड़ाई 6, पहले ब्रेकिट को 8 6 14, 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28 मीटर, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला, एक वर्ग का परिमाप दे रखा है 20 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। तो देखो 4 गुणा भुजा बराबर कितना है हमारे पास में 20 मीटर। अब ये गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाने पर ये भाग में जाएगा, तो 20 में 4 का भाग लगेगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो भुजा का मान आ जाएगा 5 मीटर। क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 5 × 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और इकाई हो जाएगी वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, एक कमरा 15 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताना है। देखो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, और फर्श के क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई का फॉर्मूला लगेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है इसकी 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, तो हो जाएगा ये 150 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर होगा। अगला, एक आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है और उसका परिमाप दे रखा है, तो खेत का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। देखो लंबाई दे रखी है और उसका परिमाप, देखो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2 ब्रेकिट लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो क्या दे रखी है हमें, लंबाई दे रखी है, तो परिमाप दे रखा है हमें 320, फॉर्मूले मान रख देंगे 2, और लंबाई कितनी है 100 प्लस चौड़ाई। अब ये गुणा में है और इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 320 भाग 2 बराबर 100 प्लस चौड़ाई, तो ये इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 160 बार। अब देखो हमें क्या याद करनी है यहां पर चौड़ाई, तो ये बराबर के निशान से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 160 माइनस 100, तो कितना बचा 60 मीटर। क्या क्या करना है, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, और खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी थी 100 और चौड़ाई हो जाएगी 60, गुणा करने पर कितने आ जाएंगे 6000 वर्ग मीटर। देखो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा दे रखी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, तो भुजा का मान कितना है 20 मीटर, तो 20 गुणा 20, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 वर्ग मीटर। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।